नमस्कार। क्लास 8 बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज के अंतर्गत हमने मैथ्स पार्ट 2 वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अर्थात वर्ग और वर्गमूल चैप्टर के प्रश्नों को रखा था। उस वीडियो में हमने सिर्फ आंसर दिया था। बहुत सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मांग की है कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इसका हिंट भी दिया जाए। अतः एक नया वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें इन प्रश्नों का सॉल्यूशन या कहें हिंट दिया जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 है, 4900 का वर्गमूल होगा तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? पहले हम ये निकालते हैं 49 का वर्गमूल। तो ये हम जानते हैं कि ये 49 को हम 7 × 7 कर सकते हैं, तो अर्थात ये 1 जोड़ा है तो 49 का वर्गमूल हमारा हो गया 7। लेकिन हमें तो 4900 का निकालना है, यानी 4900 का, तो 49 के बाद 2 शून्य है तो इसका हमारा वर्गमूल हो जाएगा, 49 का तो हमने 7 निकाला, अब इस 2 शून्य की जगह 1 शून्य रखेंगे तो हमारा 4900 का वर्गमूल हो गया 70। प्रश्न संख्या 2 है, 11 का वर्ग, तो वर्ग हम कैसे निकालते हैं? चलिए एक बार दोहरा देते हैं उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने शुरू से तैयारी नहीं किया है। तो ये 11 का वर्ग हुआ अर्थात 11 × 11, तो ये गुना आप स्वयं से करेंगे, ये आएगा 121। तो ये हमारा पहला वाला आंसर हुआ ए नंबर। प्रश्न संख्या 3 है, 0.25 का वर्गमूल, तो हम पहले पॉइंट छोड़ते हुए 25 का वर्गमूल निकालते हैं। तो ये हमारा 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, अर्थात ये वर्गमूल हो गया 5। तो चूंकि ये 0.5 था तो अब 0.25 था सॉरी, तो हम क्या करेंगे कि ये यहां 5 से पहले एक पॉइंट बैठा देते हैं, तो 0.5, क्योंकि आप 0.5 का आप वर्क करके देख लें, 0.5 का वर्क करके देखें तो ये आपका ये आ जाएगा 0.25। तो इस तरह से हमारा आंसर ये सी नंबर हुआ। प्रश्न संख्या 4 देखें, ये देखिए 9 पर 4 शून्य है अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले जैसे हमने ये पहले हमने इस प्रश्न में पहले नंबर प्रश्न में जैसे किया था ठीक वैसे ही करेंगे। हमारा 9 का वर्गमूल तो सब लोग जानते हैं कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल होगा 3, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो ये 9 पर यहां 4 शून्य है, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया, ये 9 का तो 3 हो गया, अब यहां 4 शून्य है इसके जगह हम 2 शून्य बैठा देंगे तो ये हमारा 90,000 का वर्गमूल आ गया 300। प्रश्न संख्या 5 देखिए, 3.5 का वर्ग, तो आप पहले 35 का वर्ग निकाल लीजिए, तो 35 का वर्ग अर्थात हो गया 35 × 35, तो ये हो गया 1225, है ना, आप गुना करके खुद देखें। अब चूंकि ये 3.5 है, 3.5 है तो क्या करेंगे, यहां दशमलव के बाद एक अंक है तो हम क्या करेंगे, यहां पर दाहिनी ओर से 2 अंक गिनकर यहां पर दशमलव बैठाएंगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया ए नंबर। प्रश्न संख्या 6 देखिए,
निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक एक होगा? तो इसके लिए सिंपल ट्रिक यह है कि आप इनका इकाई अंक देखें, यहां शून्य है और इसका वर्ग करें, शून्य का वर्ग करेंगे ये तो फिर शून्य आ जाएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, चार का वर्ग करेंगे तो 16 होता है तो इकाई में 6 आता है, तीन का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9। तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि ये 11 का वर्ग करने पर उसके इकाई में 1 होगा। प्रश्न संख्या 7 है, पद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में ये जो रूट का किसका संकेत है? तो ये तो सभी जानते हैं वर्गमूल करने का है। 900 का वर्गमूल होगा, ये तो इस तरह के प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और ये 2 शून्य की जगह हम 1 शून्य बैठा देंगे, तो ये हमारा 30 हो गया। प्रश्न संख्या 9, ये पहले हम देख चुके हैं किस प्रश्न में, ठीक ऐसा ही प्रश्न हम अभी हल किए थे। प्रश्न संख्या 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर। प्रश्न संख्या 10, 8100 का वर्गमूल कितना होगा? तो यहां पर 81 है तो 81 का वर्गमूल हम जानते हैं होगा 9 और यहां 2 शून्य है तो उसकी जगह 1 शून्य बैठाते हैं, तो ये हमारा ए नंबर। 40 का वर्ग क्या होगा? देखिए ये 0 वाले का वर्ग कैसे करते हैं, तो 4 का वर्ग तो आप जानते हैं 4 चौके 16। अब यहां 1 शून्य है तो उसको दुगना कर देंगे 2 शून्य, ये तो ये वाला हमारा 1640 का वर्ग हो गया। प्रश्न संख्या 12, -196 का वर्गमूल इनमें से किसके बराबर नहीं है? इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम फिर से इसको लिखते हैं, ये -196 बराबर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 × -196। देखिए गुना करेंगे इतना ही आ जाएगा। फिर से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 × 196, और फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 × 196, और इसे फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 और 196 का वर्गमूल हो गया 14। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला एक ए नंबर जैसा हो गया ये, और ये वाला बी नंबर हो गया, और ये वाला डी नंबर हो गया। अब ये जो सी नंबर है, -1 × 14, तो ये -1 × 14 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -14। अगर हम -14 का वर्ग करें तो ये क्या हो गया, 196। ये -196 तो आता नहीं है, तो इसलिए -196 का वर्गमूल इनमें से किसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, ये अलग है। 24 के वर्ग करने पर उसकी इकाई का अंक होगा, तो हम जानते हैं जब भी इकाई का वर्ग के इकाई का अंक निकालना होता है तो ये जो दी गई संख्या है इसके इकाई का वर्ग करते हैं। तो 4 का हम वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होता है, और 16 का इकाई अंक क्या है, 6 है, तो अर्थात 24 का वर्ग करने पर उसके इकाई का अंक होगा 6। इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है? तो इसे आप याद रखें कि जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8, फिर से सुने,
जिस संख्या के इकाई में, इकाई अंक में, इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो तो वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो इस क्राइटेरिया पर हम देखते हैं कि ये वाला 287 की इकाई में 7 है तो ये कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 500 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो जब भी हम वर्ग करते हैं तो संख्या में जितने शून्य हैं वर्ग में उसका दुगना हो जाता है। तो यहां 500 में 2 शून्य हैं तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 4। निम्नलिखित में से किसका वर्ग एक विषम संख्या होगा? तो ये नियम आप याद रखें कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो यहां पर विषम संख्या है 45, तो इसका वर्ग करेंगे तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 17, 25 का वर्ग। तो आप 25 का वर्ग आप निकाल लें, 25 का वर्ग अर्थात 25 गुना 25, आप इसे स्वयं से गुना करें, यह आएगा 625। 1296 का वर्गमूल कितना होगा? तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आइए करते हैं इसका 1296। तो ये 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 4 8 एक बज गया 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर से 2 होगा, 2 से जाएगा, 2 1 2, 12, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, तो 3 2 6, 2 बच गया 21, 3 7 21, फिर 3 से होगा, 3 9 27, फिर होगा ये 3 से 3 बार। तो 1296 का ये वर्गमूल करते हैं तो ये हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार है ना, 1 2 3 4, और इसके बाद है 3 4 बार है, 1 2 3 4। अब यहां पर हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा। तो इस पहले जोड़ा के लिए ये हम 2 निकाल लिए, फिर यहां पर 2 निकाल लिए, यहां पर 3 और यहां पर 3। तो अब हम इसे गुणा करते हैं, 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो 1296 का हमारा वर्गमूल आ गया 36। प्रश्न संख्या 19, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए भी पहले हमको क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहीं पर निकाल रहे हैं 9408। तो 2 से होगा, 2 4 8 एक बज गया, ये 14, 2 7 14, ये शून्य हो गया, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, एक बज गया 10, 2 5 10, 2 2 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, एक बज गया 15, 2 7 14, एक बज गया तो 12, 2 6 12। अब इधर कर लेते हैं, फिर 2 से चला जाएगा, 2 5 10, एक बज गया 17, 2 8 16, एक बज गया फिर 16, 2 8 16, अभी फिर 2 से जाएगा तो 2 2 4, एक बचा ये 18, 2 9 18, 2 4 8, अभी फिर 2 से होगा तो 2 1 2, 2 4 8, एक बज गया
एक बज गया तो ये हो गया 14, 2 सते 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 चौके 12, 2 बज गया 27, 3 नवा 27। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से, हम जानते हैं 7 से जाएगा, 7 सते 49। तो ये 9 4 0 8, इसका हमने गुणनखंड किया तो ये आ गया 1 2 3। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 है। और इसके बाद हम 3 नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 7 वाले को, 7 × 7 × 3। तो अब हम इसको जोड़ा बना के देखते हैं, तो ये एक जोड़ा हो गया, 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 ये अकेला बच गया 3। अगर इस 3 को हम हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और इस 3 को हम कैसे हटाएंगे, 3 से भाग देकर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 3। 3 से अगर हम 9408 को भाग दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 3, 4 और 6 से विभाजित हो जाए। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 3, 4 और 6 का, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2 से देंगे तो 2, ये 3 नहीं जा रहा है, 3 उतर गया यहां पर, उतार दिए इसको, 2 2 4, 2 3 6। अब 3 से होगा तो 3 1 3 2 और 3 1 3। तो इसका लॉस या एलसीएम जो कहें, ये आपका आ जा रहा है 2 × 3 × 2, अर्थात 2 3 6 2 12। तो 12 ऐसी संख्या है, लॉसा का मतलब यह है कि 12 ऐसी संख्या है जिसमें 3, 4 और 6 तीनों से भाग लग सकता है, लेकिन 12 वर्ग संख्या नहीं है। तो और कौन सी संख्याएं होंगी जिसमें 3, 4, 6 से भाग लग सकता है? तो अगर हम 12 को 2 से गुना कर दें तो ये 24। 24 भी ऐसी संख्या होगी जिसमें 3, 4 और 6 से भाग देने से ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन 24 भी वर्ग संख्या नहीं है। तो अगली संख्या देखते हैं, 12 को 3 से गुना करते हैं तो 36। 36 ऐसी संख्या है जिसमें 3, 4 और 6 तीनों से पूरा पूरा भाग लग जाता है, और साथ ही हम देख रहे हैं 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, C 36। आशा है कि ये जो हिंट दिए गए इसके आधार पर आप बाकी अन्य वर्ग और वर्गमूल से जो भी प्रश्न आएंगे उसे आप हल कर सकेंगे। धन्यवाद।